नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल दुनिया में करीब 18 मिलियन पीपल का डेथ होता है कार्डियोवास्कुलर की वजह से उन कार्डियोवास्कुलर वास्कुलर में से 80 परसेंट डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से होते हैं हार्ट अटैक मतलब क्या होता है हमारा हार्ट को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ये बात आपको मालूम है हार्ट में ऑक्सीजन कैसे पहुँचते हैं ब्लड के थ्रू तो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बेसिकली ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला आर्टरीज है कोरोनरी आर्टरीज जब ये कोरोनरी आर्टरी में कुछ ब्लॉक होता है फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रोल की वजह से तब ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है जिस वजह से हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इस वजह से हार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं हार्ट अटैक एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है अगर किसी को होता है इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा नहीं तो डेथ हो सकता है वैसे हार्ट अटैक्स अलग अलग टाइप्स का है बट रीजेंटली काफी न्यूज में आ रहा है विडो मेकर हार्ट अटैक जिसका मेडिकल नेम है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे डेंजरस टाइप ऑफ हार्ट अटैक माना जाता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसी वजह से इसे पॉपुलरली विडो मेकर हार्ट अटैक बोलते हैं थिमोलॉजी डिक्शनरी के हिसाब से विडो मेकर का मतलब होता है समथिंग लीथली डेंजरस सो एग्जैक्टली इज विडो मेकर हार्ट अटैक इट इज अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक इन विच यू हैव फुल ब्लॉकेज इन योर बिगेस्ट आर्टरी द लेफ्ट एंटीरियर डिजेंडिंग आर्टरी जैसे कि मैंने आपको पहले बोला हार्ट को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिलता है तो हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्ले करता है कोरोनरी आर्टरीज देर आर टू कोरोनरी आर्टरीज वन इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सेकेंड इज राइट कोरोनरी आर्टरी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों यह है राइट कोरोनरी आर्टरी और यह है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये डिवाइड होता है इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द लेफ्ट सर्कम आर्टरी आप इस पिक्चर में अगेन देख सकते हैं दोस्तों ये जो दिख रहा है दोस्तों यह है लेफ्ट एंटीरियर डिजेंडिंग आर्टरी एंड ये जो दिख रहा है दोस्तों यह है लेफ्ट सर्कम फ्लेक्स आर्टरी इसमें जो लेफ्ट एंटीरियर डिजेंडिंग आर्टरी है इट इज दार्ट बिगेस्ट आर्टरी जब इसमें ब्लॉक होता है ना तब होता है विडोमेकर हार्ट अटैक रीजन बींग लेफ्ट एंटीरियर डिजेंडिंग आर्टरी सप्लेस 50 परसेंट ऑफ हार्ट मसिल ब्लड तो हार्ट मसल्स के लिए जो ब्लड चाहिए होता है उसका 50 परसेंट आता है दोस्तों लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से तो बात है दोस्तों अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो सबसे ज्यादा रिस्क हो ये जो हार्ट अटैक है बाकी हार्ट अटैक से काफी डिफरेंट है क्योंकि ये इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है जैसे कि मैंने आपको पहले बोला अगर फिफ्टी ऑफ ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा अगर किसी को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो उनका सर्वाइवल का भी चांसेस है पर डॉक्टर्स का कहना यह है इनमें से टेन परसेंट जो है एक साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं हो पाता है तो किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा वर्नरेबल है विडो मेकर हार्ट अटैक के लिए एक तो देखिए जिनका एज फोर्टी से ऊपर है दूसरा जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जैसे कि आपकी फैमिली में किसी का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहा हो तो ये जेनेटिक भी तो हो सकता है तीसरा जिनका पुअर ईटिंग हैबिट्स है जैसे कि ज़्यादा ही नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो खाते हैं ज़्यादा जंक फूड्स जो खाते हैं ज़्यादा ऑयली एंड फैटी फूड्स जो खाते हैं वो भी वलनरेबल है जिनका स्मोकिंग हैबिट्स है जिनका फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम है जो ओबीस है जिनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है जिनका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है दे ऑल कैन रेज द रिस्क ऑफ विडो मेकर हार्ट अटैक सो वाट आर द सिम्टम्स ऑफ ए विडो मेकर हार्ट अटैक डॉक्टर्स के हिसाब से विडो मेकर हार्ट अटैक का कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं है एनी अदर काइंड ऑफ हार्ट अटैक में जो सिम्टम्स होते हैं ना वही इसमें भी होगा जैसे कि चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत होगा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा मतलब बहुत ज़्यादा स्वेट निकलेगा पसीना निकलेगा अनकॉन्शियस होने का चांसेस है पेन होगा आर्म्स में शोल्डर्स में नेक जो और बैक में एक्सट्रीम वीकनेस फील होगा स्टोमक अपसेट होगा तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स है दोस्तों हार्ट अटैक का तो मेकर हार्ट अटैक का रिस्क आप कैसे कम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बोला मेकर हार्ट अटैक का रिस्क उन लोगों में सबसे ज्यादा है जो ओबीज है जो डायबिटिक है जिनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स है तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा डॉक्टर्स के हिसाब से उन्हें एक हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा जैसे कि सैचुरेटेड फैट अवॉइड ही करना है शुगर इंटेक को लिमिट करना है अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखना होगा अगर आप एक हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो आपका ब्लड प्रेशर को लोवर करने के लिए आपको नया ईटिंग हैबिट्स अडोप्ट करना पड़ेगा जैसे कि जब आप खाना खाते हो आपको कैलोरी काउंट करके खाना होगा मतलब आप जो खाना खाते हैं उसमें कितना कैलोरी है ठीक है और इसके बाद आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कितना कैलोरी आपका बर्न हो रहा है ये सब एनालाइज़ करने के लिए आजकल कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह अवेलेबल है ये बात आपको मालूम है दोस्तों तो ये सारे हैबिट्स आपको फॉलो करना है ध्यान से खाना खाना होगा फिर देखिए एक डायट्री अप्रोच है जिसे डैश बोलते हैं डायट्री अप्रोचस टू स्टॉप हाइपर ये हाइपर पेशेंट्स को फॉलो करना है इसमें क्या होता है ना फ्रूट्स खाना है वेजिटेबल्स खाना है ग्रेन्स फिश पोल्ट्री नट्स लेग्यूम्स एंड लो फैट डेयरी कंज्यूम करना है इसे बोलते हैं डैटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपर इसके अलावा डैश डाइट में आपको पैकेज एंड जंक फूड अवॉइड करना है डेसर्ट्स स्वीट एंड बिवरेजेस फैट्स रेड मीट प्रोसेस्ड मीट ये सब अवॉइड करना है देखिए डैश डाइट फॉलो करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है अपने आप लो हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक बिल्कुल कम हो जाएगा ऊपर से आपको की न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा जैसे कि पोटासियम मैग्नीशियम कैल्शियम फाइबर प्रोटीन एक्सेट्रा इसके अलावा जिनका ब्लड में कोलेस्ट्रोल रेट ज़्यादा है वो भी तो रिस्क में है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लॉक होता है ना जिसे प्लक बोलते हैं वो फैट्स एंड कोलेस्ट्रोल की वजह से होते हैं ठीक है ठीके? तो आपको अपना कोलेस्ट्रोल रेट को कंट्रोल में रखना होगा अब कोलेस्ट्रोल रेट को कंट्रोल करने का दो तीन तरीके हैं दोस्तों एक तो आपको अपना डाइट कंट्रोल करना होगा जैसे कि आपको ज़्यादा स्वीट नहीं खाना होगा ज़्यादा ऑयली फूड्स फैटी फूड्स ये सब नहीं खाना होगा नॉन वेजिटेरियन मैक्सिमम जितना हो सके उतना अवॉइड करना होगा ठीक है ये सब करने से थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल होगा दूसरा है मेडिसिन लेने से आजकल बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो मेडिसिन कंज्यूम करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है तीसरा है आपको एक्सरसाइज करना होगा फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होने का चांसेस है तो फाइनली डॉक्टर्स के हिसाब से अपना डाइट को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अपना लाइफ में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाना होगा जैसे कि हफ्ते में कम से कम पांच दिन थर्टी मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना है स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ना है और आपका वेट जो है हमेशा कंट्रोल में रखना है वही बात है दोस्तों जितना कम खाओगे उतना ज्यादा दिन के लिए आप खा पाओगे जितना ज्यादा खाओगे उतना कम दिन के लिए आप खा पाओगे तो ये तो जरूरी है दोस्तों आपको आपका जो डाइट है उसे हमेशा कंट्रोल में रखना होगा ज्यादा नहीं खाना है सब खाओ पर कंट्रोल में खाओ साथ साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी है ना उसे जारी रखना है दिन में कम से कम थर्टी मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही करना है अब देखिए दोस्तों एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड के लिए भी रिफ्रेशिंग है अगर आप सुबह सुबह थर्टी मिनट्स के लिए कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करोगे जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया साइकिलिंग हो गया स्विमिंग हो गया रनिंग हो गया अगर आप थर्टी मिनट्स के लिए भी करोगे ना आपका पूरा दिन जो है रिफ्रेश रहेगा तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है